हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो बिना चीनी की इस मिठाई को मैं खजूर और घर में रखे कुछ ड्राई फ्रूट से बनाकर तैयार करूँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल भी देर किए बिना शुरू करते हैं बहुत कम समय कम मेहनत में बनने वाली इस टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मिठाई को बनाना। यहाँ पर मैंने ये 1/2 kg खजूर या डेट्स लिए हैं। इनमें थोड़ी बहुत डस्ट रहती है, इसीलिए इन्हें वॉश करके कपड़े से पोंछने के बाद मैंने इनके अंदर के बीज निकाल लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर चाकू से छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, खजूर काफ़ी हेल्दी होते हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये अनीमिया या खून की कमी को दूर करने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस तरीके से इन्हें बारीक कट करने से जब हम इन्हें कुक करेंगे तो जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी खजूर को इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच घी। तो घी यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून बादाम। तो 1 बादाम को मैंने 2 पार्ट में कट करके इसमें डाला है। तो 1 मिनट तक बादाम को रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने काजू डाले हैं 2 टेबल स्पून, इन्हें भी मैंने 2 पार्ट में कट करके इसमें डाला है। साथ ही इसमें ये सनफ्लावर सीड डाले हैं 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर इन्हें कंटिन्यूसली चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून किशमिश और 2 टेबल स्पून ही इसमें ये पिस्ता डाले हैं। तो 1 मिनट तक सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मैंने कुक कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें निकाल लूँगी एक बोल में। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो आप उनका यूज़ इस मिठाई को बनाने में कर सकते हो। तो इन्हें बोल में निकालने के बाद सेम पैन में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून घी। घी के गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये कटे हुए खजूर। तो फ्रेंड्स, खजूर में अपनी नेचुरल मिठास होती है, तो बिना चीनी के ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होती है। आप इस मिठाई को ज़रूर बनाकर देखिए। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें खजूर को सॉफ्ट होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो इस तरीके से जैसे जैसे खजूर कुक हो रहे हैं ये सॉफ्ट हो रहे हैं और आपस में बाइंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये अब एक डो की फॉर्म में आ चुके हैं। तो बहुत अच्छे से हमने खजूर को यहाँ पर कुक कर लिया है और 3 से 4 मिनट का ही समय इन्हें कुक होने में लगा है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी फ्लेवर के लिए 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने घी में रोस्ट किया था। तो इन्हें यहाँ पर खजूर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर खजूर और ड्राई फ्रूट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसे मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूँगी। आप इस मिक्सचर से चाहो तो लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे बर्फी की शेप दूंगी। तो इस मिक्सचर को गर्म में ही मैं अब डाल रही हूँ घी से ग्रीस की हुई इस ट्रे में। आप इसे थाली या केक टिन में भी जमा सकते हो। तो मिक्सचर डालने के बाद मैं यहाँ पर इसे पहले स्पैचुला से फैला दूंगी। तो आपको इसकी थिकनेस जितनी रखनी है उसके हिसाब से आप इसे फैलाएं। तो इसे फैलाने के बाद हमें यहाँ पर इसे चिकना और स्मूथ कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इस स्पैचुला से अब इसे प्लेन कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ और चिकना कर लिया है। किनारों को मैं यहाँ पर थोड़ा खोल रही हूँ ताकि जब हम इसे कट करें तो इजीली ये बाहर निकल जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो 1/2 घंटे बाद मैं यहाँ पर इसे चाकू से कट कर लूँगी। तो बर्फी को परफेक्टली शेप देने के लिए पहले उसे सेंटर से इस तरीके से कट करना चाहिए और फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट से
तो इस तरीके से कट करने से सभी पीस इक्वल साइज में कट होते हैं। तो आप बर्फी को अपनी पसंद के हिसाब से छोटे, मीडियम या बड़े किसी भी साइज में कट कर सकते हो। तो एक पीस मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत कम समय में और घर में रखे सिंपल ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने यहाँ पर इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे रख दूंगी प्लेट में। सभी पीसेस को ट्रे से निकाल कर मैं इस प्लेट में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खजूर और ड्राई फ्रूट्स की ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस रक्षाबंधन में अपने भाइयों को बाजार की अनहेल्दी मिठाई न खिलाकर इस हेल्दी मिठाई को बनाकर जरूर खिलाएं और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए कामना भी करें। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।